हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ बहुत सारी ओपन वैकेंसीज शेयर करते हैं डेली बेसिस पे जो कि यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में और स्कूल्स में होती हैं। तो आज भी हम कुछ वैकेंसीज सर्च करके आए हैं जो दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में है जो दो अलग अलग शहरों में लोकेटेड है तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है आप हमारे पहले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो इसे बाकी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं साथ ही जैसा कि हम सभी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं वेकेंसी को सर्च करने का साथ ही हमने कुछ इनिशिएटिव भी किए हैं जिसमें हम ये भी हेल्प करते हैं कि आप कैसे खुद से जॉब सर्च कर सकते हैं ज्यादा इफेक्टिव उसे बना सकते हैं उसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशन हो तो वो भी आप इन वीडियोस पे कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सके और आपके सजेशन से और इसमें इम्प्रूव कर सके दूसरा इसमें हम एक और काम करते हैं हम जो वैकेंसीज़ हैं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट से ही आपको दिखाते हैं अलग से हम उसे कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं तो अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्कूल की वेबसाइट पे ओपन वैकेंसी है तभी हम उसे वीडियो में इंक्लूड करते हैं तो इससे उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहती है हम अपनी तरफ से उसमें कुछ और नहीं करते हैं तो आइए देखते हैं वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो जो पहली वैकेंसीज है वो दी एल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है राजस्थान सरकार और लक्ष्मी निवास मित्तल ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर है तो इसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स uh, में जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं वो सेम फैसिलिटीज उससे भी अच्छी फैसिलिटीज ये अपने टीचर्स को फैकल्टी मेंबर्स को एक्सटेंड करते हैं और ये यूनिवर्सिटी जयपुर में लोकेटेड है अगर आप हायर एजुकेशन में कोई नया इंस्टीट्यूट या आपको कुछ एक्सपीरियंस है आप चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है जो वैकेंसीज इनके यहाँ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग उन्होंने स्पेसिफाई करा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आपने पढ़ाने हैं उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन एम्बेडेड इंजीनियरिंग सेमी कंडक्टेड डिवाइसेज देन थर्ड वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि रोबोटिक्स और मेकेट्रॉनिक्स के लिए है तो इसमें इनके पास टोटल दस वैकेंसीज हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे मोस्टली हैं और कुछ एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे भी है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं तो ये क्लिक हियर वाला बटन है जो अभी रेड हो गया है इस पर आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक ये एक ये एक पो, पोर्टल ओपन होके आता है जो कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक टैब है जब आप इस इसपे क्लिक करेंगे जिसपे हमने अभी क्लिक किया है बटन पे अपना रेलिवेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपको शो करेगा कि कितनी वैकेंसीज उसमें हैं जैसे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में दो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एक प्रोफेसर के लिए है सामने की तरफ डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो वहाँ पे शो कर करेगा दूसरा अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो वो उसकी रेलिवेंट वैकेंसीज आपको शो करता है इसमें भी इनको एक असिस्टेंट एक एसोसिएट और एक प्रोफेसर लेवल पे रिक्वायरमेंट है जो जो क्वालिफिकेशंस उनको चाहिए वो जनरली जो यूजीसी की कंडीशंस होती है आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए और आपको तीन साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सैलरीज ये ऑफर करते हैं वो बेस्ट होती हैं वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर कर सकते हैं तो इसमें जिस भी मद में आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप क्वालिफाई करते हैं उसके सामने आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और एक पेज ओपन होके आएगा और उसके ऊपर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन आपने नहीं करना है जब अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक टैब ओपन हो जाएगा वहां पे आप आपकी पर्सनल डिटेल्स आपकी एकेडमिक डिटेल्स प्रोफेशनल डिटेल्स और जो रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप एंटर कर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे तो ये उनके पास सबमिट हो जाएगी जैसा मैंने पहले बताया ये यूनिवर्सिटी जयपुर में है दिल्ली से बहुत पास है और बाकी कुछ शहरों से भी काफी करीब पड़ती है अगर आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट दैट इज देयर इन नॉर्थ इंडिया तो अब मैं आपको दूसरी वैकेंसी बताता हूँ जो एक दूसरी यूनिवर्सिटी में है So, दूसरी जो पोजीशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है और जैसा कि नाम से विदित है ये दिल्ली में स्थित है जो लाइब्रेरियन की एक पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है काफी समय से दो जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था उसको अभी एक्सटेंड कर दिया है फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर तक तो उसमें अभी और पांच दिन का टाइम है अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं अगर आपने लाइब्रेरी साइंस के या तो प्रोफेसर रहे हैं या आपको लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इस कंट्री के अंदर एडवर्टीजमेंट इसका एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी तो ये जो अपना नोटिफिकेशन है ये दो जुलाई को आया था लेकिन ये एक्सटेंड होते होते पांच सितंबर तक अभी एक्सटेंड हो गया है जो क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी हुई हैं उसमें एक मास्टर्स डिग्री आपने होना चाहिए और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये जो स्केल ऑफ पे है ये लेवल 14 रहेगा एज पर सेवेंथ पे कमीशन तो करीब डेढ़ से दो लाख रुपए सैलरी रहेगी मंथली लाइब्रेरियन uh, की पोजीशन पे जो क्वालिफिकेशन है या तो मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55 मार्क्स या फिर टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में या टेन ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या किसी कॉलेज एज ए कॉलेज लाइब्रेरियन उसके अलावा एक पीएचडी डिग्री आपको चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइव और मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो हम आपको बताते तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये लैंडिंग पेज है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आप क्लिक करेंगे इसके लिए तो एक नया पेज ओपन होके आएगा यहाँ पे अगर आप नए हैं आप पहली बार इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना लॉग इन और पासवर्ड क्रिएट करना है जब वो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने लॉग करना है और फिर आपने आपकी प्रोफेशनल पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स उसमें एंटर करनी है और इसको लॉग इन करके सबमिट कर देना है कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजना है कोई फीस भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं होप uh, ये आपके लिए यूजफुल था हम शाम को फिर आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करेंगे शाम को पांच बजे थैंक्स फॉर